बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो वंस अगेन रोज़मर्रा के खानों की है। और चूँकि जो है ज़्यादातर इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गोश्त और मुर्गी वगैरह खाने का दिल नहीं चाहता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी लेके आऊँ। मिक्स सब्ज़ी जो हम बनाते हैं हर एक के घर में बनती है, आज आप मेरे स्टाइल से देखें किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सबसे पहले हम जो है वो 1/4 कप के करीब ऑयल डालेंगे। इसमें हम कड़ी पत्ते और ये मोटी गोल लाल मिर्च डालेंगे, साबुत लाल मिर्च। ज़रा से इसका ये हो जाएगा तो इसमें हम एक बड़ी प्याज चॉप की हुई डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 2 बड़े टमाटर डाल देंगे। वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, मेरी छोटी है इसलिए मैं बड़ी पूरी ले रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा। बेसिक जो हमारे घर के मसाले हैं उसी से बन जाता है लेकिन अच्छा फ्लेवर आता है। नमक हसबे ज़ौक, पेपरिका 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है रेगुलर रेड चिली, इससे पेपरिका का कलर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए मसाला भुन गया है, अच्छी तरह से ऑयल बाहर आ गया है। अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं। ठीक है, मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। सब्ज़ियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 गाजर लिए हैं, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है। गाजर और आलू जो है वो गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के 10 मिनट के लिए रखते हैं और फिर इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 कप मटर लिया है, मेरे पास पूरे साल जो है फ्रीज़ किए हुए पड़े होते हैं, ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक स्किप कर दें। ये देखें इसको अच्छी तरह से भून के और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, तकरीबन जो है वो 1 कप के बराबर, और इसको जो है गलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छी तरह से आलू गाजर सब इसमें गल जाएंगे, फिर और चीज़ें डालेंगे। अच्छा, 10 मिनट हो गई हैं, हम देखते हैं आलू हमारे कितने गले हैं। जी, हमारे आलू आधे गल गए हैं, अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये मैंने कैरी ली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी में, तो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए। इस तरह छोटे छोटे पीस कर लिए हैं कैरी के, 2 कैरियाँ ली हैं मैंने। और वंस अगेन यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सी सब्ज़ी कम या ज़्यादा पसंद है। 1 बड़ा मारू कद्दू लिया है मैंने, जुकीनी, और इसको भी डाला है, ये भी मुझे बहुत पसंद है सब्ज़ियों में, ग्रिल भी इसका बहुत अच्छा बनता है, ग्रिल सब्ज़ी भी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बैंगन लिए हैं और ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें, सारी न्यूट्रिशंस मिल जाती हैं। इसको 5 मिनट के लिए और ढकते हैं जब तक सब चीज़ें और कम्बाइन होती हैं, फिर आखिर में हम इसमें फूल गोभी और पालक डालेंगे। अच्छा, अब मज़ीद 5 मिनट और हो गई हैं, अब हम देखते हैं कितनी सब्ज़ियाँ गली हैं। अच्छा देखें, अब सारी सब्ज़ियाँ आधी आधी गल चुकी हैं, अभी भी मज़ीद इसमें 10-15 मिनट की और देर है। अब इस स्टेज पे हम फूल गोभी डालते हैं, ये 2-3 हरी मिर्चें मैंने रखी हैं साबुत, वो डाल दें। और फिर बिल्कुल आखिर में जब हर चीज़ सेटल हो जाएगी तो फिर मैं पालक डालूँगी। वंस अगेन, अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं और बच्चों को भी देते हैं तो बच्चों को भी हर चीज़ जो है न्यूट्रिशंस मिलती हैं और बच्चों की भी जो है वो आदत होती है हर सब्ज़ी खाने की, और ये बहुत मज़े की बनती है। स्पेशली गर्मियों में तो सब्ज़ी जो है वो रोटी के साथ या खिचड़ी के साथ, अचार चटनियाँ मैंने बहुत सारी तरह की आपको सिखाई हैं, तो आप किसी के साथ भी इसको सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा।
अच्छा, मज़ीद 10 मिनट हो गई हैं, अब हम सब्ज़ी को देखते हैं। माशाल्लाह से हर चीज़ अच्छी तरह से गल गई है, बहुत गली हुई भी मुझे नहीं पसंद है, थोड़ी खड़ी खड़ी है। और अब इस स्टेज पे आखिर में मैं इसमें पालक डाल रही हूँ। तकरीबन जो है मैंने 2 कप के करीब पालक ली है, ठीक है। पालक इज़ फुल ऑफ आयरन, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, अपने बच्चों को ज़रूर उनकी डाइट में ये चीज़ शामिल कीजिए। बस पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं और ना ही पालक को ढकते हैं पका के, वरना बहुत सारा पानी छोड़ देता है। तो ये मेरी अम्मी की खास टिप है कि पालक डालते हुए जो है ढक्कन भी नहीं ढकें और इसको जो है पानी भी नहीं डालें। इसी के पानी में इसलिए बहुत सारा पानी रिलीज़ करता है। और जिस चीज़ में आपको पालक डालना हो उसमें नमक भी थोड़ा कम रखा करें, इसलिए कि पालक में नमक कुदरती तौर पर होता है। बाकी आप फ्लेवर्स अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसको 2 मिनट और पकाएंगे, पालक थोड़ी सी गल जाए, पालक फ़ौरन ही पक जाती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और इसको जो है आप चटनी के साथ, अचार, रायते, मैंने बहुत तरह की चीज़ें आपको सिखाई हैं, आप इसको सर्व करें। देखें कितनी खूबसूरत कलर आया है इसका। बस 2 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। हर चीज़ अच्छी सी गल भी गई है, थोड़ी खड़ी खड़ी भी है, और कैरी जो हमने ऐड की है इससे बहुत एक अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आएगा। अगर आपको पसंद है ज़रूर डालिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी सब्ज़ियों में डालते हैं कैरी या नहीं डालते हैं, या आपने डाली है तो आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इसे आप इस तरह से मिट्टी के बर्तनों में सर्व करें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो नेचर से करीब होते हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इन बर्तनों के जो है इफ़ादियत से मुस्तफ़ीद हों। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। घर की रोटी है, इस पर आप अच्छा सा बटर डालें, गर्मा गर्म चपाती के साथ आप इसको सर्व करें। और लौकी का रायता मैंने आपको पिछले दिनों सिखाया था, वो ले लें। अचार, चटनियाँ मैंने बहुत सारी तरह की आपको सिखाई हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आयशा कुज़ीन पे हर साल की तरह इस साल भी हमने अचार, चटनियाँ, मुरब्बे जो हैं हमारे ऑर्डर पे बना रहे हैं, और जो हमारे न्यू क्लाइंट हैं या व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं, तो वो जो है यहाँ पे मैंने उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। बहुत से लोग गिव अवेज भी देते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को। तो आज यहाँ पर जो मेरे पास गिव अवे बन रहा है उसमें फालसे का मुरब्बा है और हम लोगों का ऑथेंटिक मेमनी केरी अचार है, वो इन्होंने जो है बनवाया है। इसको हम इस तरह से पैक करके और जो है हम डिस्पैच करेंगे, और इसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अकॉर्डिंग टू योर बजट जो है हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जो है नंबर ले लीजिएगा और मुझे ज़रूर ऑर्डर कीजिए। और ये जो है ये बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ यहाँ पर कि इसमें जो है मैं इस तरह से इसको देती हूँ बिल्कुल फॉइल लगा के, ताकि ये जो है लीकेज भी नहीं हो, और अगर आप बाहर भी ले जाना चाहते हैं तो इसकी जो है इंटरनेशनल लेवल की पैकिंग की हुई होती है, तो ये कैंस वगैरह और जिस तरह से होते हैं ना तो ये लीक नहीं होते हैं, वरना अगर अदरवाइज़ ये होता है कि ऑयल और जो है वो सारा ड्रिप हो जाता है, और जब तक वहाँ पर पहुँचता है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं हर चीज़ जो है इस तरह से सील पैक करके देती हूँ, ताकि ये जो है
कोई हमारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अचार चटनियाँ हैं ये लोकली और इंटरनेशनली हर जगह पर जो है वो इक्वली पसंद किया जाता है और लोग जो है इसके ऑर्डर्स करते हैं और इसको हम कैन भी करवा के देते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए या अपने ख़ुद के लिए, जैसे आजकल लोग अपने बच्चों के ससुराल वगैरह हैं समझाने में भेजने के लिए भी डिफरेंट टाइप की बास्केट्स होती हैं, वो भी बहुत सारी वैरायटी है, फैंसी भी हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल सा बताया है, उनका बजट जो था वो उन्होंने कहा था सिंपल करके रखिएगा, तो वो मैंने ये वाला बनाया है। अदरवाइज़ फैंसी आइटम्स भी हैं, फैंसी बास्केट्स भी हैं, तो हर तरीके से जो है हम इसको बना के देते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा।